गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास सेवेंथ। आज हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में कुछ पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं। हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसका लिखित रूप ही वर्ण है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी की वर्णमाला में कितने होते हैं, वो कितने भेद होते हैं, दो, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर के बारे में भी हमने जान लिया था। ठीक है, जो बिना किसी सहायता के बोला जाए और मुख से एकदम बिना किसी सहायता के आवाज़ बाहर निकले। ठीक है, स्वर के भेद कितने पढ़े थे हमने, दो, कौन कौन से, ऋषभ स्वर और दीर्घ स्वर। ये भी पढ़ लिया था कि ऋषभ यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, ये सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, कि व्यंजन किसे कहते हैं। पहले तो ये बताओ कि ये व्यंजन हिंदी में होते कितने हैं। पढ़ा हुआ है ना पिछली क्लास में, कितने होते हैं, 33। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, अब व्यंजन कहते किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो व्यंजन है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। सबसे पहली बात तो स्वर बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, लेकिन व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कैसे, हमें पता है कि स्वर कौन कौन से होते हैं। ये क वर्ग वाली पूरी लाइन, क वर्ग वाली पूरी लाइन यानी क, ख, घ, घ और अंग, ये पूरी लाइन। ठीक है, अब मैं इनको पूरा ना लिख के सीधा आपको बताऊंगी। च वर्ग वाली पूरी लाइन, फिर है ट वर्ग वाली पूरी लाइन, फिर त वर्ग वाली पूरी लाइन, फिर प वर्ग वाली पूरी लाइन। ठीक है, अब ये वर्ग लिखा है मैंने, तो इसका मतलब है कि इस लाइन में जो भी वर्ण आएंगे, इसलिए मैंने वर्ग बता दिया, क्योंकि पहला अक्षर है वो पूरे लाइन का मतलब वो करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो च वर्ग वाली पूरी लाइन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, च, छ, झ, ठीक है, और अण, ट, ठ, ढ, ढ, अण, ट, ठ, ढ, ढ, न, प, फ, ब, ब, म। ठीक है, मैंने यह वर्ग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यह वर्ग वाली पूरी लाइन नहीं आती, उसके कुछ ही व्यंजन इसमें आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आती हैं, य, र, ल, व, श, स, स, ह, सिर्फ इतने ही व्यंजन आते हैं हमारे। ठीक है, देख लो, पाँच इसमें है, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30 और 3, 33, तो कितने व्यंजन बताए थे, 33। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होनी चाहिए, पिछली क्लास में पढ़ाई है आप लोगों ने कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये व्यंजन है, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब स्वर हमने पढ़ी लिए थे 11, ए एन आर से लेके औ और तक। ठीक है, अब जैसे हमने ये लिखा है कै, मैंने लिखा है कै, ये क्या है हमारा, आप कहोगे जी ये तो व्यंजन है, मान लिया व्यंजन है। तो मैंने बताया कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब आप बोलोगे कैसे, तो ये क्या, कै व्यंजन है, कै व्यंजन में ए स्वर मिला हुआ है। देखो, क आवाज़ करते हैं ना, क, अ की आवाज़ आ रही है ना, तो ऐसे ही इन सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ है। ठीक है, बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो अब हम व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु, वायु यानी हवा, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से हवा निकलती है ना, बोल के देखो, क,
ख घ, तो हमारे मुख से वायु निकलती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी ने किसी भाग से अवश्य टकराएगी या अवश्य टकराए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग से अवश्य टकराए या टकराते हुए बाहर आए, उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये अड़ है। ठीक है, यदि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण करेंगे, यदि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमें व्यंजन के नीचे हल या हलंत, जो ये निशान है, लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये होगी व्यंजन की परिभाषा। अब हम इसको क्लियर करते हैं। पहले बोला है कि मैंने जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु मुख के किसी ने किसी भाग से, कैसे कि हमारा मुख है, कंठ भी है, तालु भी है, दंत भी है यानी दांत है, वर्तस्य है यानी मसूड़े हैं यानी होठ, ओष्ठ होठ भी है, तो इनका उच्चारण करेंगे जब व्यंजनों का, तो वायु है जो हमारे मुख के किसी न किसी भाग से अवश्य टकराएगी। ठीक है, मुख के भाग जैसे कंठ, तालु, ये सब है। यदि हम क वर्ग का उच्चारण करेंगे, देखो क वर्ग का उच्चारण करेंगे तो वायु हमारे कंठ से निकलेगी, बोल के देखो क, हमारे गले में से आ जाएगी क ख ग। फिर हम बोलेंगे कि पै वर्ग, पै वर्ग का उच्चारण देखो प फ भ, तो जब हम पै वर्ग बोलते हैं तो हमारे ओष्ठ हैं जो अब यदि हम प वर्ग का उच्चारण करेंगे प फ भ भ म, तो देखो हमारे दोनों होंठ जुड़ रहे हैं। क वर्ग का उच्चारण कर रहे तो हमारे होंठ नहीं जुड़ रहे। ऐसे ही च वर्ग के लिए अलग मतलब भाग को छुएगी, ऐसी टै के लिए, ऐसी तय के लिए, तय वर्ग का उच्चारण करके देखो तो हमारे दांतों को हमारी जीभ टच करेगी, छुएगी, त थ बोल के देखना। ठीक है, तो ये हो गया। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के किसी भी भाग को हमारी जीभ नहीं छूती, जैसे अ आ ई ई, तो सीधी आवाज़ आ रही है, लेकिन इनके लिए हमारी जीभ कभी तो दांतों को टच कर रही है, कभी हमारे जबड़े के ऊपरी भाग को टच करेगी, कभी हम होंठ बंद करके बोलेंगे। ठीक है, होंठ जुड़ेंगे हमारे बोलते हुए, तो वो होते हैं व्यंजन। ठीक है, ये हो गया कि किसी ने किसी भाग को टकराते हुए बाहर आए, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। ठीक है, फिर व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये मैंने आपको बता दिया कि इन सभी व्यंजनों में हमारे अ स्वर मिला हुआ है। ठीक है, सभी व्यंजनों में क्या है, अ स्वर मिला हुआ है। यदि हम
बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हम व्यंजन के नीचे हल या हलंत लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि यदि हमें क का उच्चारण बिना स्वर के करना है, ठीक है, बिना स्वर के हमें इसका उच्चारण करना है तो ये सही होगा। हमें क के नीचे ये जो चिन्ह है इसे हल या हलंत कहते हैं, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, किसके लिए, व्यंजन के उच्चारण के लिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं, यानी व्यंजन में कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो हमने पढ़ा कि व्यंजन किसे कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वायु मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर आई। स्पर्श, स्पर्श का अर्थ होता है छूती हुई, ठीक है, स्पर्श का अर्थ होता है छूना या टकराना, टच करे, ठीक है, स्पर्श करती हुई बाहर आए। कैसे, मैंने पहले भी बताया था कि व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुख के किसी न किसी भाग से वायु टकराती है, तो स्पर्श व्यंजन में अलग अलग भागों को टकराती है। जैसे मैंने बताया था कि क वर्ग में हमारे कंठ को टकराएगी, ठीक है, च वर्ग में च तो वर्तस्य यानी मसूड़े को टकराएगी, प वर्ग में हमारे ओष्ठ यानी होठ आपस में टकराएंगे जब इनका उच्चारण करेंगे। तो स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर आए। इनकी संख्या कितनी है, 27। कितनी संख्या है, 27। क वर्ग वाले पूरे वर्ण जो मैंने पहले बता दिए कितने, 5, क ख घ घ ग, ठीक है। फिर च वर्ग वाले पूरे कितने, 5। ट वर्ग वाले पूरे कितने, 5, तो जो ट वर्ग में है ही, ठीक है, ये वाले ट ठ ढ ढ न, ये 5 तो ये हो गए। 2 और जो नए व्यंजन जुड़े हैं, ड के नीचे बिंदी और ड ढमरू के नीचे भी बिंदी, ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल, ये हो गए 7। ट वर्ग वाले कितने होंगे, 7। फिर हमारे हैं प वर्ग। प वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं, 5, और त वर्ग में भी कितने आते हैं, 5। तो देखो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 7, 27। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं, 27, ठीक है, समझ आ गया। स्पर्श व्यंजन में वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर आएगी। कौन कौन से वर्ग आएंगे, टैवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग और पैवरग, ठीक है, ये 5 इसमें आएंगे। तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 27 है। फिर हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन, कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा हो, यानी जब हम इनका उच्चारण करें तो हम थोड़ा सा हमें डाउट हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, यानी हम ये समझे कि ये स्वर है या व्यंजन है उच्चारण करते हुए, तो स्वर और व्यंजन के बीच का सा उच्चारण हो, ठीक है, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ना तो ये स्वर होते हैं ना ये व्यंजन होते हैं, इन्हें इसलिए अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या भी है 4। कौन कौन सी, य र ल व, ये चारों क्या है, ये हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। फिर आगे उष्म व्यंजन, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाती हुई मुख से बाहर निकले, रगड़ खाती हुई, ठीक है, जब हम रर बोल रहे हैं तो भी हमारी रगड़ रगड़ करती हुई आवाज़ मुख से बाहर आ रही है, जिससे हमें क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये भी कितने हैं, ये भी हैं 4। कौन कौन से, श स स ह, ये चारों क्या हैं, उष्म व्यंजन हैं। इसके अलावा एक और है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी जिन वर्णों का या व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मेल से हो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनमें तो स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन में क्या है कि दोनों व्यंजन ही होंगे। जैसे हमारा है क्ष, जिसे हम बोलते हैं
छुक छुक छतरिया बोलते थे ना छोटी कक्षाओं में, तो ये क्ष जो है ये क और श इनसे मिलकर बना है। फिर है त्र, त के नीचे हलंत लगा हुआ है, इधर भी क के नीचे हलंत लगा हुआ है, त और र, त और र से मिलकर क्या बना है त्र, और क और क्ष से मिलकर क्या बना है क्ष। फिर है ज्ञ, तो ज और न से मिलकर बना है ज्ञ। और फिर है श्रो, जो बोलते हैं ना अपने श्रवण, तो ये श और र, श यानी शलजम वाला और र से मिलकर क्या बना है श्रो बना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा व्यंजन स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर आए। अतंस्थ व्यंजन होते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच के से हों। उष्म व्यंजन होते हैं कि मुख से रगड़ खाती हुई वायु बाहर आई और उष्मा निकले। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 27, अंतस्थ व्यंजनों की है 4, उष्म व्यंजनों की भी है 4, संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं 4। ठीक है, तो ये थे व्यंजन। अब है हमारे पास वर्ण विच्छेद। ठीक है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, कि किसी भी शब्द में आए हुए वर्णों को विच्छेद कर देना। विच्छेद का मतलब होता है टुकड़ा, विच्छेद का मतलब होता है टुकड़े करना। ठीक है, तो किसी भी शब्द में आए हुए वर्णों को अलग अलग करना यानी उनके टुकड़े करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, वर्ण विच्छेद का ज्ञान होने के बाद हम शब्दों के टुकड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेद की क्या परिभाषा होगी, कि किसी भी शब्द में आए हुए वर्णों को अलग अलग करना। ठीक है, अब कैसे अलग अलग करेंगे, जैसे मैंने यहाँ शब्द लिख दिया कमल, क्या लिखा मैंने कमल, तो आप लोगों तो बोलोगे कमल, लो मैडम जी इसके टुकड़े हो गए, तो ये वर्ण विच्छेद नहीं है। ठीक है, ये जो वर्ण विच्छेद है हमारा ये रोंग है। कमल का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, क, क के नीचे लगाएंगे हलंत, इसमें से निकालेंगे ए बाहर, फिर म, म के नीचे लगाएंगे हलंत ए बाहर, फिर ल, ल के नीचे लगाएंगे हलंत ए बाहर, तो ये होगा हमारा वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब मैं किसी भी मात्रा वाला शब्द आपको बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा कौरव। ठीक है, तो कै को उच्चारण करके देखो, कौ, औ की आवाज़ आ रही है ना, तो कै के नीचे हलंत लगाएंगे बाहर निकालेंगे औ। ठीक है, र के नीचे लगाएंगे हलंत और बाहर निकलेगा ए, व के नीचे भी लगाएंगे हलंत और बाहर निकलेगा ए, तो ये हो गया कौरव का वर्ण विच्छेद। इसके अलावा हमने लिखा जैसे गुड़िया। ठीक है, ग के नीचे हलंत लगाएंगे ऊ बाहर, अब देखो ये छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ ही बाहर निकालेंगे, नहीं कि बड़ा ऊ, जिस व्यंजन को जिस स्वर की मात्रा लगी होगी वही स्वर बाहर निकलेगा। अड़ के नीचे लगाएंगे हलंत और फिर निकलेगी छोटी ई, क्योंकि इसको छोटी ई की मात्रा है। फिर य के नीचे लगाएंगे हलंत, निकलेगा बाहर आ। तो यहाँ मैंने आपको कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद बताया है। आप अपनी नोटबुक में इसके अलावा भी 4 वर्णों के शब्द, 5 वर्णों के शब्द, सभी मात्राओं के शब्दों के वर्ण विच्छेद आप अपनी नोटबुक में करोगे। ठीक है।